तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। ये भी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, एक आसान क्वेश्चन है। ये कहते हैं कि अल्टरनेट वोल्टेज, ये दिया हुआ अल्टरनेट वोल्टेज वी इज इक्वल टू 260 साइन 628 टी दिया हुआ, कनेक्टेड अक्रॉस ए प्योर इंडक्टर। तो अगर यहाँ पर एक प्योर इंडक्टर है भाई, प्योर इंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस है ही नहीं, बता रहा समझ में? ऐसे तो कुछ होता नहीं है, बट आइडियल बात है भाई। तो इसकी एल एल मतलब इंडक्टेंस इसका 5 मिली हेनरी है, ठीक है? मिली, 5 मिली मतलब 10^-3 हेनरी है। तो ये कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब ये कितना अपोज करेगा एसी को कुल मिला के, वो हमें निकालना। तो एक्सएल की वैल्यू नहीं, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। लो, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कहाँ से आएगा? इसको कंपेयर कर दो किससे मेरे भाई? इसे कंपेयर कर दो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी है? 628 आ जाएगा। तो अगर यहाँ से कंपेयर करोगे तो एल, तो यहाँ से 2 पाई की वैल्यू 3.14, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा। फिर यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से तुम देखोगे हमें क्या चाहिए मेरे भाई? तो हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ जाएगी ओमेगा, यहाँ से इतना है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 6/28। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ से 2 पाई के इक्वल हो जाएगी। तो 628 डिवाइडेड बाई 2 पाई और मल्टीप्लाइड बाई एल 5×10^-3 हेनरी। तो ये पूरा जब काट कुट लोगे, ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद 3.14 ओमेगा आ जाता है एक्सएल, और ये बाकी चीज़ें आप ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है ना? एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो वो कमेंट करना। थैंक यू, बाय बाय।